जी पंजाब रणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल गौरव शुक्ला हाजिर हाँ मुद्दे की बात लैके। जी पंजाब रणा हिमाचल नूं पंजाब च निजी केबल ऑपरेटर वालों ब्लैकआउट किए जाते आम लोग लामबंद हो रहे हैं। संसद तो सड़क तक केबल ऑपरेटर की मनमानी खिलाफ लोगों च रोस है नज़र भी आ रहा है। पर सवाल यह है कि पंजाब च जी पंजाब रणा हिमाचल के ब्लैकआउट होने का जिम्मेवार कौन है, ब्लैकआउट किसका रोल है। उप मुख्यमंत्री गेंद केंद्र सरकार के पाले दे विच सुट रहे हैं ता कि केबल ते केंद्र सरकार दा कंट्रोल है। ते सब तो वड्डा सवाल ए है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नू ब्लैकआउट करके कि पंजाब दी जनता नू निरपक्ष खबरां देखण तो महरूम किया जा रहा है। चर्चा करांगे कि पंजाब च सच दी आवाज़ दा ब्लैकआउट। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं ब्लैकआउट किए जाते हर वर्ग जिथे इस गैर जमहूरी फैसले का विरोध कर रहा है उत्थे सियासी पार्टियां भी लगातार निरपक्ष खबरां विखाउण वाले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं ब्लैकआउट करन खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं ब्लैकआउट करन दे मुद्दे ते बहस पक्की हुई है। दिन दिहाड़े मीडिया की आजादी से वजे से डाके से हर आमो खास सच्चाई की आवाज दबाने खिलाफ दुहाई दे रहा है। तो सूबे च सियासी पुश्तपनाही हेठ मीडिया का गला कुटन दी कोशिशों खिलाफ एक सार्थक बहस उठ खड़ी हुई है। हर सियासी पार्टी भी इस गैर जमहूरी अमल का विरोध कर रही है। सवाल हाकम धिर ते भी उठ रहे हैं पर उसकी दलील है कि मामला उसके अख्तियार च नहीं है, केंद्र के कंट्रोल च है। पर सियासी पार्टियों इस दलील च वजन नजर नहीं आता। पंजाब में एक फास्ट वे नेटवर्क है केबल, जिसके मालिक पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो भी चैनल इनके मुताबिक नहीं चलता उसको ये बंद करते। आज बादल साहब ने जेडे प्रेस की आज़ादी की गल करता रहा हमेशा अकाली दल, ये पहला मौका है कि जो प्रेस की आज़ादी इन्होंने वंगारिया और अपने पप्पट जेडे बंदे है जेडे झूठ का पलंदा ने उन्हां चैनलों प्रमोट करने वास्ते सच की आवाज़ को दबाने वास्ते जी पंजाबी नू डिलीट किया गया, एलीमिनेट किया गया। पंजाब सरकार का ये कोई रोल नहीं है। पहली गल जड़ी जिन्निया भी केबल नैटवर्क है या डिश टीवीज है सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन थले आनी है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होंदा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड बट व्हाट दे आर डूइंग इलीगल नाउ is whenever 4G is going to every village, 4G har pind ch pahunchni hai te inhale bhi pahunche, that is illegal and that I have just heard and we are taking it up with the traffic with this tribe people. Aap de andar chahunde ha ke da prasaran ji punjabi da hona chahida, bada acha channel hai, log inu pasand bhi karde ha aur swatantrata honi chahidi hai media di aur je eh cable koi operator jehda hai ga fast ki hai eh channel wala ji te main samajhda ke onu eh dobara apdi gal durust kar leni chahidi hai. ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਦਪਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और एक तरह ना खत्म करन दा मोनोपोली करन दा प्रेस ते कब्जा सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल दी साजिश है। ए इना लई एड़ा वड़ा एक इना दे कफन च किल होएगा जिहड़ा आउण वाला समय च पता लग जाएगा। जी पंजाबी को निश्चित रूप से जो ब्लैकआउट किया गया है केबल माफियाओं के द्वारा जो बादल के संरक्षण में चलते हैं, उसको तत्काल फिर से अपना प्रसारण पंजाब में देने के लिए छूट देनी चाहिए। हमेशा ही सच की आवाज बनने वाले जी पंजाब रहना हिमाचल नूं सच बोलने की एक कीमत तारनी पई है, पर बावजूद इसके चैनल अपनी सोच से पैरा दे रहा है ते दिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एक पास जी पंजाब रहना हिमाचल वालों सरकार नूं लगातार अपील की जा रही है कि चैनल नूं पहला वांग ही चलाया जाए, पर उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उन्हां कोल हाले तक इस मसले नूं लैके कोई आया ही नहीं ते यह मसला मिल बैठ के सुलझा लेना चाहिए।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਏ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿਸਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 5755 ਉੱਤੇ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ 1800-180-3535 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀ ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
उन्होंने दोषी ठहराने वास्ते भी ये वास्ते बड़े बड़िया थावां ने जिन्हां विचों ट्राई भी हैगी है जिन्हों असीं टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहिंदे हां अजे तक मेरा ख्याल साडे जी वाले सज्जनां ने उत्थे भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं की। इस तों अलावा टीडी सैट है टैलीकॉम डिस्प्यूट सैटलमेंट ट्रिब्यूनल जिहड़ा आ जिहदा कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जिहड़ा ट्रिब्यूनल का करता धरता हुंदे ने अजे तक जी साडे उत्थे भी नहीं गए। और इस तों अलावा जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है जिहदे बारे सुखबीर सिंह बादल ने की जिहदे अधीन केबल नैटवर्किंग एंड सारे चैनल सारा जिहड़ा मीडिया आउंदा आ उहदे कोले मेरा ख्याल किसी तरह की अपने जी वालों कोई पहुंच नहीं की गई। ठीक है, यह करनी चाहिए आ जिहड़े लोगों ने गलत किया आ वह कटहरे च खड़े होने चाहिए आ और उन्होंने सजा मिलनी चाहिए आ। असी जी दे जिहड़ा इह जिहड़ा ब्लैकआउट किया गया जां फास्ट वे तो ढाया गया जिस तक सानू इह भी पता लगा है कि उहदे वास्ते भी कोई पैक सी पहलो बेस पैक चलता सी बेस पैक क्योंकि सस्ता आ सारे लोग ज्यादा देखते सी। ठीक है, उहदा जिहड़ा सीगा 31-16 तक कोई जो पता लगा जो सानू पता लगा पर मैं नहीं कहता कि उन्हां दा पक्ष असीं सही रख सकते हो तुहानू चाहीदा सीगा कि फास्ट वे वालिआं नूं डिबेट च बुला दे हिमाचल दे संपादक दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके ने। ठीक है बलटोआ साहब, असीं तुहाडे कोल वापस आवांगे। दिनेश जी, बलटोआ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़े। बलटोआ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सब जो आप बात कह रहे हैं पूरा पंजाब ये कह रहा है, पूरा पंजाब ये जानता है कि एक लीगल बाइंडिंग होती है, लीगल नोटिस दिया जाता है 21 दिन का अगर किसी चैनल को ऑफ एयर किया जाता है। बिना लीगल नोटिस किए चैनल को हटाया गया, ये सारा पंजाब जानता है, सारी पंजाब की जनता बोल रही है कि किसके इशारे पर यह हुआ है और आप अभी भी एक निजी केबल ऑपरेटर के नाम पे लगे हैं। मैं दिनेश जी, जेकर उन्होंने कोई लीगल नोटिस नहीं दिता, उन्होंने जो कोई उल्लंघना की, पंजाब सरकार के अधीन आता है केबल, ये केंद्र सरकार, केंद्र सरकार सारे मंत्री सारे नेता जो है पंजाब के वो ये कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है, ये कहा जाए जो तमाम सियासी दल हैं वो ये कह रहे हैं, आपकी सरकार भी ये जानती है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ये आपको नहीं मालूम। 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, सरकार को भी ये मालूम है, लेकिन बिना नोटिस दिए चैनल ऑफ एयर कर दिया जाता है, ये कहां तर्क संगत है। सच ये बताइए कि क्या पिछले एक साल में सरकार की नीतियों को या आपको हमने नहीं बुलाया, आपकी बात हमने नहीं रखी पंजाब की जनता के सामने? इस तरह नहीं चलूगी, बिल्कुल गलत गल है। जो तुम इस तरह लगातार चलोगे ना, मेनू गल नहीं कर दोगे, फिर इस तरह अपना पक्ष नहीं चलना। बिल्कुल अज गल तुसी गल कीती है, तुसी गल कीती 21 दिन का लीगल नोटिस नहीं दिता, तुसी किते जाके स्टे लिया, तुसी पंजाब सरकार को ले केबल नेटवर्क वाले की कोई शिकायत की लिखती रूप च कोई की है जी? हमने बलटोआ जी, हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, इसमें मेमोरेंडम दिया है, मुख्यमंत्री ने मेरी बेनती है जी, मेनू गल पूरी कर जी जी बोलिए, मेरी गल तो पूरी कर लेंदे ना दिनेश जी, तुसी बड़े सीनियर जी, असीं तुहाडी इज्जत करदे हां। हां जी, साडे असीं वार वार कहिंदे आ, मैं जिम्मेवारी नाल कहिंदा आ कि फास्ट वे दे नाल पंजाब सरकार दा श्रोमणी अकाली दल दा कोई लैण देण नहीं। और अज पंजाब दे डिप्टी मुख्यमंत्री साहब सुखबीर सिंह बादल जी ने भी ओपनली क्लीयर कर दिता। और हैरानी की गल है कि पिछले लगातार पिछले दिनों तो इस चैनल वालों साडा जिहदा असीं सारे सत्कार भी करदे हां कि श्रोमणी अकाली दल अक्यूज किया जा रहा है। मैं क्या जी, यह गल तुहाडे कोल मंग करन वास्ते आया सी कि भाई सानू क्यों दोषी ठहराउंदे, जे पिछलियां जिहड़ियां गल्लां कीतियां उहदे वास्ते माफी मंगो, असीं तुहाडे नाल आ, अकाली दल नूं दोषी नहीं ठहराओ। बलटोआ जी, फिर मैं आपको बीच में टोकूंगा, अकाली दल को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, एक बार भी हमने शिरोमणि अकाली दल का नाम नहीं लिया, हमने पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं साफ कर रहा हूं आपको। पंजाब सरकार की गल कर लिए, पंजाब सरकार की गल कर लिए,
मैं बेनती करूं दिनेश जी पंजाब सरकार को ले किसी तरह की तुसी पहुंच की भावे उन्होंने दायरे च आउंदा नहीं आउंदा उन्होंने कंट्रोल च आउंदा नहीं आउंदा आपे जवाब देंदे क्या पंजाब सरकार को अभी भी मालूम नहीं है? क्या पंजाब सरकार खुद संज्ञान नहीं ले सकती? क्या मेरी बेनती है जी किसी भी तरह की तहानू भी पता कि कोई कार्रवाई है किसी की कंप्लेट आओ किसी की रिप्रेजेंटेशन आओ ओ होंगी है। दूसरी गल मैनू दिनेश जी जो जापदा है तुसी सहमत होवो ना होवो कई साडे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनसे सवाल ही नहीं पूछे गए, उनसे बातचीत भी की गई। हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, उनकी तरफ से भी पूछा गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी पूछा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। क्या उसने उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान लेने के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, क्या उन्होंने इसके बारे में तथ्य इकट्ठे किए? क्या जानकारी ली? नहीं ली। आपकी जानकारी भी अधूरी है। मेरी बेनती है जी ऐसी बार बार कहने कि साडे कंट्रोल च नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर है, अथॉरिटी का मैटर है। बिल्कुल बल्टोहा जी बिल्कुल गलत है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि राज्य सरकार के अधीन जो है केबल नेटवर्क आता है। हमारे साथ गरवाल साहब बैठे हैं, क्या गरवाल साहब ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है क्या? नो 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 मेरी नहीं। इस तरह दिनेश जी असी जड़े राजनीति जी करते हैं वो कुछ ओदियां कदर कीमत ने कुछ आदर्शों करते हैं। भारतीय जनता पार्टी खाली राज करन लई सत्ता च नहीं आई, वो कुछ कदर कीमत स्थापित करन दे लई सत्ता च आई है। और पहली गल तो यह आ कि साड़ी पार्टी इस चीज़ के खिलाफ है कि देश के किसी भी हिस्से किसी भी नैटवर्क को बिना किसी कारण तो बंद किया जाए उसके असी पक्ष नहीं है जी। और गरेवाल जी पिछले एक साल में आप लगातार मुद्दे की बात और लगातार जो है आप इस चैनल को देखते रहे, क्या कभी हमने ये कहा जाए कि निष्पक्ष नहीं रहे? क्या हमने कभी एक तरफा एक रिपोर्ट भी बताई है? आप मुझे बता दीजिए एक रिपोर्ट भी अगर इस चैनल द्वारा हमारे चैनल द्वारा एक तरफा दिखाई गई हो। दिनेश जी आपका चैनल बहुत पॉपुलर है पंजाब के अंदर, पंजाब के लोग देखना चाहते हैं, मगर इसमें पंजाब सरकार को या केंद्र सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। हाँ किसी की भी केबल ऑपरेटर की जो दादागिरी चल रही है या मोनोपोली चल रही है वो गलत है, वो देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी चैनल को बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे वादा किया था कि हम अरुण जेटली जी से मिलेंगे भी, उनको पत्र भी लिखना है, उसकी कॉपी भी आपको भेजूंगा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रुका नहीं इसलिए नहीं। पर मैं फिर ये कहता हूं कि हमारी पंजाब सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसमें दोषी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सरकारी तौर पे ऐसी दादागिरी को जरूर रोकना चाहिए, इसके लिए कोई कानून केंद्र की तरफ से भी अब बनना चाहिए कि ऐसी दादागिरी किसी भी प्रदेश में किसी भी चैनल के साथ ना हो। दो साल होने वाले हैं एनडीए सरकार को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की आवाज सच की आवाज किसी एक चैनल को किसी एक अखबार को बंद किया? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ना कभी करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है और ना ही हमारा ये इस काम के लिए हम राजनीति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए और ऐसी राजनीति डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए आई है। किसी भी चैनल पे ऐसे पाबंदी लग जाना डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, ये इसके लिए डेमोक्रेसी को मजबूत करना हमारा पहला कर्तव्य है। इमरजेंसी में जब वो बंद किए गए थे प्रेस मीडिया पे भी स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की गई थी, तो हम लोगों ने संघर्ष किया और हम वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमिटेड है और हम आपके चैनल का बहुत सत्कार करते हैं, कोई भी चैनल ऐसे बंद नहीं होना चाहिए जी। वल्टोहा जी मैं पंजाब की जनता की तरफ से आपके जरिए दरख्वास्त करता हूं, आपकी ये कहा जाए कि रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के उप मुख्यमंत्रियों को, कि जो पंजाब की जनता दरख्वास्त कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है आपसे पंजाब सरकार से, कि
चैनल को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को जो कि सच की आवाज़ है उसको दोबारा निजी केबल पे चलाया जाए। ये रिक्वेस्ट जो है पंजाब की जनता कर रही है, पंजाब के जो तमाम सियासी दल है वो कर रहे हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आप भी आप यहाँ पर सबके सामने पंजाब की जनता के सामने संज्ञान लें इसका और सरकार से बात करें। दिनेश जी मैं आप दे सामने बिल्कुल ठोक के कहना पूरा लवांगे, पर लिखती रूप च तुसी सवेरे शिकायत दिओ आपदी कि साडा जिहड़ा इस मसले ते साडे नाल इस केबल नैटवर्क वाले ने साडे नाल ज्यादती कीती है, जिहड़ी इहने जिहड़ियां गाइडलाइनज ने जां जिहड़ियां जो सिस्टम है उहदे तों बाहर जाके जी चैनल दे नाल कुछ ज्यादती कीती है, पंजाब सरकार उहदे ते तुरंत एक्शन लऊगी क्योंकि रीप्रजेंटेशन जिहड़ी बहुत जरूरी है। दूसरे पासे दिनेश जी गुस्सा ना करिया जी, मैनू इंज जापदा, मैनू नहीं मेरे वर्गियां नू बाकियां नू जापदा है कि किते जी चैनल साडा जिहड़ा आ किते आपदी मशहूरी वास्ते उन्हां प्रोड्यूसरां डायरैक्टरां वांग जिहड़े फिल्म आपदी इस तरह दे हालात पैदा कर दिंदे ने कि पाबंदी लग जाए ते पाबंदी लगन तों बाद फिल्म जिहड़ी मशहूर हो जाए ते मशहूरी होण तों बाद फिल्म ज्यादा विकदी है, ते किते इह हिमाचल प्रदेश चैनल है किते अपनी मशहूरी लई यह सारी जी ड्रामेबाजी चल रही है। गुस्सा ना करे जी, मैं आपके दिल के जज्बात साझे कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, बेनती प्रमाण कर रहा जी कि इस गल जी सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको, बड़े पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, पंजाब के लोग भी, पंजाब की जनता भी आपको सुन रही है। कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई रिप मैं बिल्कुल सही गल करूंगा दिनेश जी, मैं अगे भी तेजे चैनल से आना आं, सदे जे ते निम्रता नाल ते हर हुक्म से पालना से आईदा है जो तुसी हुक्म करते जी, पर आज मैं महसूस करता है नहीं हम हुक्म नहीं करते बड़ुआ जी, हम हुक्म नहीं करते, हम रिक्वेस्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं दी तो तुसी अक्यूज करी जा रहे जे, नहीं ड्रामेबाजी नहीं, तो किसी ने बड़ुआ जी अक्यूज नहीं किया, मैं की कहूंगा जी नु किसी ने आरोप जो है शिरोमणि अकाली दल या पंजाब सरकार पर नहीं लगाया, चैनल की तरफ से ये आरोप नहीं लगाया गया, बल्कि तमाम जो सियासी दल है और जो पंजाब के जनता है वो एक इशारा कर रहे हैं और इशारा सब समझते हैं जी। मैं दिनेश जी मैं तुहाडे पिछले दिन रिकॉर्डिंग कढ के जिदे विच तुसां आपदा क्वेश्चन दिता सी कि की सरदार सुखबीर सिंह बादल ने अपनी हार मान ली, यह की सीगा, ये तो की प्रभाव लई है, की मनी है, केड़ी निरपक्षता है। मैं दिनेश जी तुहाडी बहुत इज्जत करदा, तुहाडे नाल मेरी गलबात भी हुंदी रहिंदी है, बहुत इज्जत करदे हैं, पर मेरी हथ बन के बेनती है तुसी मशहूरी करवानी है आपकी, अगे बड़ा मशहूर है, लोकी ये चैनल नूं पसंद करदे है। हम वल्टोहा जी ये चाहते हैं जो पंजाब की जो जनता है, पंजाब के जो सही मुद्दे हैं, सच्चाई है, वो सामने लाएं। आपकी बात, पंजाब सरकार की जो बात है वो भी लोगों के सामने रखी है, हमने पिछले एक साल में रखी और आज भी निष्पक्षता के साथ, विदाउट एनी, इट विल नॉट बी वन साइडेड, नेवर विल बी, जब तक मेरे होते हुए, मैं आपको बता रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, एक तरफा नहीं होगी, ना हुई है ना होगी, सच दिखाते हैं, सच दिखाते रहेंगे और एक तरफा स्टोरी ना चली है ना चलेगी। और आपने जो सवाल किए, आपने जो कहा सवाल, हमने इस तरह सवाल नहीं लिया जो आप जिस तरह कह रहे हैं, हमारे साथ और भी पत्रकार और भी नेता हैं, पत्रकार हैं, गौरव सवाल पूछिए। ठीक है वल्टोवा जी, थोड़े को वापस आऊंगा, साडे नाल इंदरजीत सिंह जीरा जी ने कांग्रेस तो, जीरा साहब जिस तरह नाल जिहड़ी गेंद है ये केंद्र सरकार दे पाले दे विच सुट्टी जा रही है, पर फोर्थ पिलर इंजर्ड होया वा नजर आउंदा पंजाब दे विच, तां कि बिजनेस दा हवाला दे के या फिर कहीए कि सेंटर गवर्नमेंट दे पाले च गेंद सुट के पल्ला झाड़िया जा सकदा जीरा साहब? गौरव जी बड़े अफसोस की गल है कि इस गल नूं 10 दिन हो जाण ते साडे भाई जिहड़े ने वल्टोवा साहब शायद इन्हां नूं पता ही नहीं लगा। मैं सब तो पहला गवर्नर नूं मिल के ये दरखास्त दे के आया, बेनती करके आया बई जिहड़ा ये चैनल सच बोलता है इहनूं क्यों बंद किया गया, कि तुसीं वल्टोवा साहब समझते हो भी गवर्नर ने तुहानूं वो एप्लीकेशन ना भेजी होवेगी, क्योंकि गवर्नर साहब उस वेले रिकमेंड करके पंजाब सरकार नूं भेजती, कि पंजाब सरकार ने उन्हें कोई एक्शन किया? फिर मैं इन्हों दसना चाहना कि जोड़ा फास्ट वे है किंदा वो सुखबीर सिंह बादल दा मैनेजर कौन है? सरदार गुरदीप सिंह, वो जंजार ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला, ये सारे लोगों पता किसी तो लुकया नहीं।
पर एक गल मैं दिनेश जी थोड़े न करांगा कि जे कितें मैं कहना कि लोगों ने इन्हों 217 सज़ा तो देनी है, रब ना करे कि उस तो पहला दुनिया तो चले जाण, तो ये धर्मराज को भी जाके कहेंगे भी जां तां सेंटर दा कसूर है जां कांग्रेस दा कसूर है, ये उन्हें सानू तुहाडे कोल भेजिया क्यों, नहीं तो असी तुहाडे कोल नहीं सी आउंदे। इन्हां ने हर गल जिहड़ी हुंदी है सेंटर वाले नाल बैठे ने, सेंटर वाले नाल बैठे ने, सेंटर वाले पाड़े सट्टी जांदे ने, सेंटर वाले इन्हां दे पाड़े च सट्टी जांदे ने, सब लोगों को पता है कि ये कसूरवार ने। जीरा साहब थोड़ी आवाज़ साढ़े तक नहीं पहुँच रही, कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम है, थोड़े को फिर वापस आवेंगे। साढ़े नाल लगातार साढ़े जिहड़े अज्ज दे मेहमान है वो लगातार जुड़े हुए हैं, बलटोआ साहब ने साढ़े नाल ते गरेवाल साहब भी ने। गरेवाल साहब जिहड़ा सवाल मैं जीरा साहब नूं कीता सी ओह तुहाडे तों भी जरूर पुछना चाहूँगा कि सेंटर गवर्नमेंट की गल कही जा रही है ते नाल कहा जाता है कि यह बिजनेस का मामला है, अजिहियां गल्लां कह के फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कित्थे जाएगा? गरेवाल साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह सकदा, गौरव जी मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह सकदा, नरेंद्र मोदी जी की अगवाई चल रही सरकार ना किसी चैनल नूं बंद करती है, ना किसी अखबार के खिलाफ जाती है, मोदी जी के खिलाफ भी मीडिया लिखता, साढ़े खिलाफ भी लिखता, कदे भी इहो जी कार्रवाई ना असी कर सकते हैं। असी तो एमरजेंसी मीडिया की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जेलों च गए और अगे भी कोई ऐसी जरूरत पेगी फिर जो संघर्ष करने वाले लोग सत्ता च बैठे हो इदा की हरकत नहीं कर सकते। और जी मीडिया की तो असं वैसे ही बहुत सत्कार करते हैं, साड़ी पार्टी भी सत्कार करती है और सुभाष चंद्रा जी का भी सत्कार करते हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, होर फील्ड भी अच्छे काम कर रहे हैं। और साड़ी पार्टी नूं अक्यूज करना जां सेंटर सरकार दे बारे कहना, मैं फिर कहना पंजाब सरकार का भी ये हथ नहीं, सेंटर सरकार का नहीं, एक बिजनेस जिहड़ा करन वाला केबल का उस व्यक्ति का हथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, उन्हें इस तरह चैनल नूं बंद करन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और देश के किसी भी हिस्से च नहीं होना चाहिए। और मैं असी इहदे लई बकायदा जेटली जी नूं पत्र भी लिखांगे, मिलांगे भी, कहांगे भी और बाकी जगह तो भी गल जावे कि देश दे किसे हिस्से च ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। गरेवाल जी लेकिन पंजाब की जनता कह रही है कि साडी पार्टी नूं देरी हो रही है, फिर कहना जे देरी हो रही है गलत करदा, बिल्कुल देरी हो रही है, मैं भी ये कहना देरी हो रही है, मैं कदों कहना कि जी चैनल बंद होवे, असीं तां चाहुंदे हां चलना चाहिए, पंजाब की जनता भी चाहती है चले, एक निजी केबल ऑपरेटर जिहड़ा हैगा उसने ये काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी भारतीय जनता पार्टी तरफों निंदा करता। हिम्मत शेरगिल भी हमारे साथ है, शेरगिल साहब आपको भी जनता ने याद दिलाया कल? बिल्कुल जी, देखिए ऐसा है ये प्राइमा फेसी ही झूठ बोल रहे हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि इसके ये सब किसके इशारे से हो रहा है। और अभी दिनेश जी ने लीगल नोटिस की बात की, बिल्कुल आई एम एडवोकेट माई सेल्फ एज अ लॉयर, देर हैज टू बी लीगल नोटिस, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 21 दिन का होता है शेरगिल साहब, ये कार्रवाई हुई है, सारा पंजाब जानता है, सारा पंजाब जानता है कि केबल माफिया चल रहा है यहां पे। और पहले पीटीसी आगे चल रहा था, अब क्या हुआ है कि जबकि दिनेश जी हेड बने, ये फैक्ट है, ये मैं दिनेश जी को कोई फ्लैटर नहीं कर रहा, ये मैं तथ्यों में बात कर रहा हूं, जबकि दिनेश जी जी टीवी के हेड बने हैं तब का इन्होंने सच्ची आवाज दिखानी शुरू की है और पीटीसी बिल्कुल फ्लॉप हो गया। पीटीसी इज ओन्ड बाय मिस्टर सुखबीर सिंह बादल, उसकी बैलेंस शीट्स, उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट्स, वो सब मैंने देखी हुई है, मैंने केस किया था कोर्ट में, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल 2011 में माने थे। क्या शेरगिल उनका शेरगिल साहब आपके पास ये तथ्य हैं, आपके पास ये कागजात हैं, ये आपके पास पेपर्स हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल मेरे पास पेपर्स हैं, आई हैव गॉट पेपर्स दैट पीटीसी इज ओन्ड बाय सुखबीर सिंह बादल, मैं आपको भेज दूंगा। वो कैसे? ऑर्बिट रिसॉर्ट्स 99% सब्सिडी गुरबाज मीडिया, 99% सब्सिडी जी नेक्स्ट एंड जी नेक्स्ट रन्स पीटीसी चैनल, ये मैंने कोर्ट में भी दायर किए थे एंड देन सुखबीर बादल कोर्ट में भी माने थे कि पीटीसी इज ओन्ड बाय देम हाई कोर्ट में। और अब क्या हुआ कि पीटीसी बिल्कुल फ्लॉप हो गया, जीट पंजाब हरियाणा हिमाचल जबकि दिनेश जी आए हैं नंबर एक का चैनल बन गया, सच दिखा रहे थे, तो इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज कर देखिए और ये सारी कार्रवाई की है। जैसे अभी जीरा जी ने भी कहा, सारे जानते हैं कि फास्टवे का जो ओनर है वो कौन है और सारे जानते हैं कि पंजाब में केबल माफिया चल रहा है। आपने पूछा 98%, देखो वॉइस ऑफ द पीपल इज वॉइस ऑफ द गॉड जी,
आप लोगों के साथ इतना झूठ नहीं बोल सकते बिना लीगल नोटिस। प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश्ड है, और मैं ये मशवरा देना चाहता हूं जी पंजाब सरकार को कि जितना आप लोगों को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे, लोग पंजाब के अब रेवोल्यूशनरी मूड में हैं, इतना धक्का मत करना कि अंत हो जाए, क्योंकि बात यह कि अब अंत हो चुकी है, ये फैक्ट है, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, आप जाके सर्वे कराएं। ठीक है शेरगिल साहब, मैं तुम्हारे को वापस आऊंगा, सरनल खुशहाल लाली जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर पत्रकार ने पंजाब के लोग इस समय क्या कह रहे हैं। ठीक है लाली जी, मीडिया आज उस दौर च खास तौर पर पंजाब दे विच उस दौर च आके खड़ा हो गया कि जिथे किसान भी खड़े ने, जिथे बेरोजगार भी खड़े ने, नौजवान खड़े ने जो नौकरियां मंगते हैं तो सुनिया नहीं जाता सरकारां दे वल्लों, हुण मीडिया भी उत्थे ही जाके तुहानू खड़ा होया नजर आ रहा कि असी अपील कर रहे हैं, पिछले 10 दिन तो लगातार ही कोशिश कर रहे, राज्यपाल तक पहुँच की गई है कि मुड़ तो शुरू किया जाए, यह मनमानी हो रही है निजी केबल ऑपरेटर के वलों, कोई सुनने वाला नहीं, जिस तरह नाल किसान गुहार लगाते हैं, अजिहियां खबरां लगातार नशर होंदियां ने। बिल्कुल गौरव जी, मैं पहला भी कुछ दिन पहला तुहाडी डिबेट दे विच आया सी ते मैं इह गल साफ कही सी ते हुण भी दुबारा मैं रिपीट करना कि जदों तों पंजाब दे विच अकाली भाजपा सरकार बनी है पिछले 9.5 सालां दे विच 9 टीवी चैनल जिहड़े है पंजाबी दे टीवी चैनल बंद होए है, ते गरेवाल साहब ने एक शब्द यूज़ किया कि एक केवल कंपनी की दादागिरी है, तो बलटोहा साहब नूं अकाली दल दे लीडर होने के नाते भी ते सरकार दा हिस्सा होने के नाते भी ये पंजाब दे लोकां नूं जवाब देना बनता है कि एक केबल कंपनी दादागिरी करके पंजाब दे विच पंजाबी दे 9 चैनलों नूं इन्हां दे राज दे विच बंद करवा दिंदी है कि सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, फिर अकाली दल किहड़े फ्री मीडिया की गल कर रहा, फिर जिहड़ी सरकार है वह किहड़े फ्री मीडिया की गल कर रहा, नंबर एक। नंबर दो, जिहड़ा बलटोहा साहब एक गल का जवाब पंजाब दे लोकां नूं देण कि जदों इन्हां दी सरकार पंजाब दे विच बनी सी लगातार 9.5 साल हो गए है, उस तों पहलां पंजाब दे विच केवल ओपरेटरां दी गिणती किन्नी सी ते अज पंजाब दे विच केवल ओपरेटर दी मोनोपोली पुलिस राहीं प्रशासन राहीं स्थापित करन वास्ते किसने जिहड़ा सरप्रस्ती दित्ती। सो लोकां नूं इस तरह जिहड़ा मूर्ख बनाना वह मैनू लगता कि बहुत हो गया, कि जिम्मेवारी लै लेनी चाहिए है, लोगों नू हुण पता लग गया बिल्ली जड़ी है। बिल्कुल लाली साहब, बाहर आ गया बलटोहा जी, पिछले 9 साल में 9 चैनल बंद हुए पंजाब में, पंजाब सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया क्या? एक जैसा कि मेरे साथी पत्रकार ने कहा, एक निजी केबल ऑपरेटर वहां पर रह गया, इतने सारे गायब हो गए, उसका संज्ञान पंजाब सरकार ने नहीं लिया, कौन इसका संज्ञान लेगा? दिनेश जी, मैं बार बार वही गल करता है, अपां की कहिंदे आ वी ताणो मेणी होण दी बजाए अपां नूं सही लाइन अख्तियार करनी चाहिए, असीं तुहाडे नाल हैं, इस गल दे असीं मदई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलटोहा जी, मीडिया ने जो रोल अदा किया है, जिस तरीके नाल उन्होंने आपकी स्थापित की है असीं उस गल की कदर करते हैं जी, और मैं वार बार गल करता है कि जे पंजाब सरकार नूं रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए है, कंप्लेंट करनी चाहिए है। बलटोहा जी, पंजाब सरकार आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, हमने राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया है, मुख्यमंत्री से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, हम वही रिप्रेजेंटेशन जो है दोबारा दे देंगे, देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगे आइए जी, हुण मैं दसदा जिहड़ा जी ग्रुप है इन्हां कोले पंजाब दे विच जिहड़ी मेरी बेनती सुन लिया जी, एक तो चैनल चलदा ना, इस तों इलावा जिहड़े वड्डे वड्डे प्रोजैक्ट ने जिन्हां दे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी पंजाब सरकार दी जिहड़ी ऑनलाइन लैटरीज ने उन्हां दा सब तो वड्डा हिस्सा जी ग्रुप कोल आ, जिहड़ियां ऑनलाइन लैटरीज ने, फ्री मीडिया की बात हो रही है बलटोहा जी, फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात हो रही है, हम प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, वो आपकी सरकार के आपके मुख्यमंत्री ये कहें कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार अकाली दल के जो नेता हैं, उनके भी बहुत इंटरेस्ट है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलटोहा जी, फिर हम सारे इंटरेस्ट पे बात, फिर सारे इंटरेस्ट पे बात होगी, फ्रीडम ऑफ मीडिया और फ्री मीडिया की बात।